क्या जिस तरीके से निशान सिंह मलकानी की कैप्टनसी को बर्खास्त करवाया गया था, क्या एली के साथ में भी करवाने वाले हैं? कौन और कैसे, चलिए बताती हूँ। नमस्कार, मैं हूँ रिदम ठाकुर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड हेडलाइंस। पर अगर आपको याद हो तो निकी तांबोली ने बहुत सारी ऐसी चीजें की थी जब निशान सिंह मलकानी कैप्टन थे, जिसमें कि निशान की जो कैप्टनसी थी वो कहीं ना कहीं बर्खास्त हो गई थी। एक दिन के अंदर अंदर निशान को कैप्टनसी से हटा दिया गया था और उनकी जगह पर कविता कौशिक बनी थी, क्योंकि उस समय वो घर की एंट्री लेने वाली थी। यहाँ पर एली गोनी और निकी तांबोली दोनों के ही बीच में एक बड़ा झगड़ा हो चुका है, जिसमें एली ने इस बात को कहा कि जब निकी तांबोली कैप्टन रहेंगी उस समय पर वो निकी को बहुत ज्यादा परेशान करेंगे, एक कुत्ते की तरह उन्हें परेशान करेंगे। ये वर्ड जो है एली ने क्लियरली बोला है। तो यहाँ पर निकी जो है इस बात से खफा हो जाती है। इनफैक्ट वो ये भी कहती है कि एली जो है वो जरा भी लायक नहीं है कैप्टनसी के लिए, कैप्टन बनने के जरा भी लायक नहीं है, और अगर ये घर के कैप्टन है तो मैं इन्हें कैप्टन मानने से इनकार करती हूँ और मैं इन्हें कैप्टन नहीं मानूंगी। जिसके बाद में वो बेड पर जाकर सो जाती है। अब डेफिनेटली अगर आपको याद हो तो निशांत की कैप्टनसी के दौरान भी पवित्रा जो है वो सो रही थी, और उस समय पर निशांत जो है वो उस तरह से एक्टिव नहीं थे। अब यहाँ पर क्या ये सेम चीज अली के साथ में भी हो सकती है? क्योंकि जिस तरीके से अली की कैप्टनसी फिलहाल जाती हुई नजर आ रही है प्रोमोज में, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि नियमों का उल्लंघन जो है वो हो रहा है। तो आप लोगों को क्या लगता है, क्या निकी तांबोली जो है वो जानबूझकर कर रही है? क्योंकि अगर याद हो तो डीजे नाइट वाला जो टास्क है उसमें निकी और अली दोनों एक दूसरे से भिड़ चुके थे, जिसमें एली ने फ्लो फ्लो में इस बात को कह दिया था कि अभी निकी कितना भी डांस कर ले, मैं नेक्स्ट नाम उन्हीं का ही लेने वाला हूँ कैप्टनसी से बाहर करने के लिए। तो क्या निकी बदला ले रही है? वेल, आप लोगों को क्या लगता है, आप लोगों की क्या राय है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, बने रहिए चैनल के साथ बॉलीवुड हेडलाइंस में। दोस्तों, दीपावली का शुभ अवसर है और आप लोग सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, जो कि मैंने आपसे कई बार सोचा है कि भाई कहूं। तो यहाँ पर आपको बता दूं कि दिवाली का अवसर है और आप भी चाहते हैं कि आपकी दिवाली जो है वो रोशन रहे। कुछ और लोग भी ऐसे होते हैं जिनके घरों में दिवाली के दिए जो है वो नहीं जल पाते। रीजन बन जाता है ये कि उनको उतना काम नहीं मिल पाता। तो सिर्फ रिक्वेस्ट इतनी सी है कि आप जब भी घर से बाहर कोई भी चीज दिवाली के लिए खरीदना है, स्पेशली दिए, तो साइड में जो रोड साइड में जो बैठे हुए होते हैं, गरीब जो होते हैं, अगर आप उनसे दिए लेंगे तो उनका भी फायदा होगा और उनका घर भी रोशन हो जाएगा। तो आप सभी को हैप्पी दिवाली और प्लीज मेरी रिक्वेस्ट जरूर मानिएगा।